यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आपका स्वागत है। राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। बिजनेस में नए लोगों से मुलाकात के योग आज आपके बन रहे हैं। नए आइडिया मिलेंगे, निवेश से फायदे मिलने के योग है। पार्टनर के लिए आपके मन में सम्मान रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है। अपने से जुड़े आसपास के लोगों में आपकी इज्जत बढ़ सकती है। नए कामों में फायदों के योग बन रहे हैं। अपने मन की बात कहने से पहले विचार जरूर करें। दिनचर्या में सुधार की जरूरत है। आपका कॉन्फिडेंस पहले से और ज्यादा बढ़ सकता है। आप बड़ा फैसला भी आज ले सकते हैं। बिजनेस में कुछ नया होने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की भी हो सकती है। दलाली के कामों में फायदा आपको हो सकता है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता भी आज आ सकती है। तो ये थी मेष राशि की बात। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे। वृष राशि की बात करते हैं। काम करने वाले छोटे बड़े लोगों के सहयोग से बिजनेस में गति आ सकती है। जरूरी काम भी पूरे होने के योग है और मेहनत में भी अच्छे नतीजे आज आपको मिल सकते हैं। संतान पर ध्यान दें। यात्रा के योग बन रहे हैं और नए कॉन्टैक्ट से फायदा और संतान से आपको सुख मिलेगा। बिजनेस में भी आज गति आ सकती है। निचले वर्ग के लोगों और अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता आ सकती है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। पुराने निवेश से आपको फायदा हो सकता है। कामकाज फटाफट निपटाने की कोशिश करें। आपको इसमें सफलता मिल सकती है। भाइयों और पड़ोसियों से लंबी बातचीत होने के आपके योग बन रहे हैं। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। मिथुन राशि की बात करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को सावधान रहना होगा। बात बात में आप अपना ही कोई राज खोल सकते हैं। आपको प्रेम संबंधों में कोई भावनात्मक पहलू परेशान कर सकता है। फालतू खर्चा आपका बढ़ सकता है। जरूरत से ज्यादा संवेदनशीलता के कारण आप मन की बात नहीं कह सकेंगे। ऑफिस के काम का तनाव घर पर भी हो सकता है और काम को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें वरना नुकसान हो सकता है। फालतू खर्चा भी आपका बढ़ सकता है। ज्यादा मिर्च मसालों से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए परहेज करें और खान पान पर पूरा ध्यान दें। मिथुन राशि की बात थी। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। नौकरी के लिए नए लोगों या किसी संगठन से बातचीत करें। बिजनेस में फायदे के योग आपके बन रहे हैं और आज फायदेमंद निवेश भी आपका हो सकता है। पार्टनर पर आपका प्रेम और भरोसा बढ़ सकता है। गंभीर मामलों पर बातचीत होगी और संबंधों में गहराई बढ़ सकती है। प्रेमी या लाइफ पार्टनर से आपको मदद मिल सकती है। अपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति से मुलाकात के योग आपके बन रहे हैं और टूट चुके जो संबंध है उन्हें जोड़ने की कोशिश में आपको सफलता आज मिल सकती है। बॉस या कोई अधिकारी आपकी मदद कर सकता है। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है और किसी की मदद से पुराना कर्जा खत्म भी हो सकता है। और निवेश से फायदों के योग आज आपके बन रहे हैं। अपनी सोच में सकारात्मकता रखें। आज किया गया निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा और धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ सकती है। अगली राशि की बात करते हैं। सिंह राशि की बात करेंगे। कारोबार के लिए फायदेमंद यात्रा के योग बन रहे हैं। आपका मूड अच्छा हो सकता है। लव लाइफ के लिए भी आज का दिन आपका अच्छा है। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ सकती है और लव लाइफ के मामले में आपका दिन फेवर में कहा जा सकता है। पैसे और परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। कोई बड़ा काम निपट सकता है। मिले जुले अनुभव वाला दिन है और परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है और दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार होने के योग बन रहे हैं। किसी से मिलने का समय तय हो सकता है। कामकाज से जुड़ी खास योजना भी आज की आपकी बन सकती है। बिजनेस से जुड़े खास फैसले आप ले सकते हैं और आज आपको सितारों का साथ मिल सकता है। आपके लिए दिन भी अच्छा है। कारोबार के लिए यात्रा आपकी फायदेमंद हो सकती है और नौकरी में जिम्मेदारी और काम दोनों बढ़ सकता है। अगली राशि की बात करते हैं। कन्या राशि की बात करेंगे। बिजनेस के लिए दिन कुछ खास नहीं होगा लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए।
किसी खास काम के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है और प्रेम प्रस्ताव में असफलता मिल सकती है, कोई गिफ्ट भी मिलने के योग बन रहे हैं। पार्टनर की जरूरतें समझने की कोशिश करें, कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो सकता है, जिद और अहंकार से आपके कामकाज बिगड़ सकते हैं, तनाव भी बढ़ेगा। चंद्रमा गोचर कुंडली के आठवें भाव में होगा, कुछ बातें गुप्त रखनी पड़ सकती हैं, कुछ मामलों में आप परेशान हो सकते हैं। आपके व्यवहार में बदलाव के योग हैं, रोजमर्रा के काम और पारिवारिक जीवन में अचानक बदलाव हो सकता है, आलस्य और थकान बढ़ने के योग बन रहे हैं, सेहत का आपको खासकर आज ध्यान रखना होगा। तुला राशि की बात करेंगे, बिजनेस में विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, जीवन साथी की किसी बात से आपको ज्यादा गुस्सा आ सकता है, संभल कर रहे, सोच समझ कर बोले, मन की हर बात को किसी से शेयर ना करें, आप अपने ही लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, कुछ लोगों का व्यवहार आपको समझ में नहीं आएगा, अनबन भी आज आपकी हो सकती है, पैसों के कुछ मामले उलट सकते हैं, आपकी बेचैनी बढ़ सकती है, छोटी मोटी बात पर उग्र होने से बचें, वाहन को संभल कर चलाएं, बिजनेस में विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और सावधान रहना होगा आपको, कुछ बातों को लेकर आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, अपनी सेहत का ध्यान रखें, गुस्से के कारण ब्लड प्रेशर भी कम ज्यादा हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आज आप जरूरत से ज्यादा काम अपने सिर पर ले सकते हैं और इस कारण आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी और कारोबार में व्यस्तता आपकी रहेगी, कोई व्यक्ति आपके पैसों की जानकारी लेने की कोशिश कर सकता है, एकाग्रता बनाए रखने में आपको परेशानी महसूस हो सकती है, बात बात पर आपका मूड भी खराब हो सकता है, प्रेमी के साथ विवाद होने की संभावना है, नजदीकी रिश्तों में होने वाली अनबन को ज्यादा दूर न दें, किसी के भरोसे के लायक कोई काम हो तभी करें तो ही अच्छा है, कामकाज फैलने के कारण आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, कारोबार में व्यस्त रहेंगे। धनु राशि की बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अनचाही स्थितियां बन सकती है, इससे आपके कारोबार पर असर पड़ सकता है, आप एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी ले सकते हैं, दांपत्य जीवन में भी तनाव आपका बढ़ सकता है, जीवन साथी के लिए आप और आपकी बातें ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आज आप भावनात्मक स्थितियों में फंस सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपको जबरदस्ती निभानी पड़ सकती है, अपने साथ कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश ना करें, हड़बड़ी में कोई काम जल्दबाजी में ना करें, जल्दबाजी में कोई काम करने से आपको आज बचना होगा, आपको मानसिक सुस्ती महसूस हो सकती है, जिम्मेदारियों में मन आपका कम लगेगा, आपके व्यवहार से लोगों को कुछ गलत फहमियां भी हो सकती है, कारोबार में भी खर्चा बढ़ सकता है, ज्यादा थकान के कारण बदन दर्द भी हो सकता है, नींद की कमी से परेशान भी हो सकते हैं, पिता की सेहत पर खासकर ध्यान दें। मकर राशि की अब बात करेंगे, कोई अच्छी खबर भी आज आपको मिल सकती है, मकर राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, किसी बहुत खास व्यक्ति से मुलाकात होने के योग भी बन रहे हैं, आज आप जो सोचेंगे वो काम पूरा करने की कोशिश भी करेंगे, आपका मन जो कहे उस पर ध्यान जरूर दें, परेशानियां पहले से कुछ कम होने की संभावना है, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं या फिर प्लानिंग भी बन सकती है, माता से पूरा सहयोग मिलेगा, भौतिक सुख भी आपको मिलेगा, संतान से संबंधों में सुधार होने के योग बन रहे हैं, बिजनेस के ज्यादातर मामलों में फायदा आपको हो सकता है, समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि की ओर, कुंभ राशि वालों का दिन आज अच्छा रहेगा, निवेश से फायदा होने का योग आपका बन रहा है, अटकते कामों में लोगों से मदद मिल सकती है, कोई यात्रा भी कारगर हो सकती है, अविवाहित लोगों को कोई प्रेम प्रस्ताव भी आज मिल सकता है, इसे गंभीरता से ले, शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है, सोचे हुए काम पूरे करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ सकती है, आप ज्यादा संवेदनशील भी हो सकते हैं, पारिवारिक और प्रोफेशनल संबंधों में मजबूती आ सकती है, भाइयों और दोस्तों से मदद मिल सकती है, निवेश में फायदा हो सकता है, बिजनेस में यात्रा फायदेमंद साबित होगी, प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं, उलझे हुए पैसे निकलवाने के लिए नए प्लान पर काम आप कर सकते हैं। मीन राशि की बात करेंगे, बिजनेस में धन लाभ की संभावना है, आपकी तरफ से पार्टनर खुश रहेगा, किस्मत का साथ आपको मिलेगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं, बिजनेस में धन लाभ की संभावना बन रही है, काम करने के तरीके से आपको फायदा हो सकता है, कई तरह की बातें आपके सामने आ सकती हैं, हर बात पर आपको काफी बारीकी से विचार करने की जरूरत है,
आसपास के लोग आपसे किसी न किसी मामले पर सलाह भी ले सकते हैं। दूसरों की मदद करने के मौके पर आपको जरूर मदद करनी चाहिए और ये मौका आज आपको मिल सकता है। सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, उतार चढ़ाव के योग भी बन रहे हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया राशिफल और बताया कि आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है। 12 राशियों की बात की